हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सतगुरु लोक उजागर। ये समस्त संसार पंच तत्व अग्नि जल पृथ्वी आकाश एवं वायु के संगम से निर्मित हुआ है। जिस प्रकार मनुष्य की देह का कोई भी एक अंग यदि अपना कार्य करना बंद कर दे तो उसकी सारी देह असंतुलित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार पंच तत्वों में से कोई भी एक तत्व यदि अपना कार्य करना बंद कर दे तो यह सारी सृष्टि असंतुलित हो जाती है। चिंता क्यों हो रहा है? पहले भूकंप और अब मसाले बुझ गई। कोई तो बहुत बड़ी घटना घट रही है सृष्टि में, अन्यथा इतनी उथल पुथल कैसे हो सकती है? लंकेश, कुछ तो विचित्र हो रहा है सृष्टि में, जिसके कारण श्वास लेना भी दुभर हो गया है। हाँ दशानन, ग्रहण के बाद से जैसा सब कुछ घट रहा है वैसा पहले कभी नहीं घटा। मुझे भी श्वास लेने में कठिनाई हो रही है। किंतु क्यों? यह समय धरती पे प्रलय है। गुरुदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहाँ हैं आप? शीघ्र दर्शन दीजिए, आपके दशानन को आपकी आवश्यकता है। शीघ्र पधारिए गुरुदेव। ये क्या हो रहा है? पूरी सृष्टि में ये क्या उथल पुथल मची हुई है? श्वास लेने में भी असहज हो रहा है। लंकेश, आप अपने इस आनंदोत्सव में इतने डूबे हुए हैं कि आपको तो कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। अपने नेत्र सदैव खुले रखें लंकेश। उचित कह रहे हैं आप गुरुदेव, परंतु दशानन पूछ रहे हैं कि हो क्या रहा है? सब कुछ इतना विचित्र क्यों हो रहा है गुरुदेव? लंकेश, आप जिस वानर बालक की मृत्यु पर प्रसन्न होकर ये जो आनंदोत्सव मना रहे थे, उसी बालक को देवता जीवित करने में लगे हुए हैं। प्रकृति का विधान और सृष्टि का भविष्य दोनों आपस में टकरा रहे हैं लंकेश, और यही इसका परिणाम है कि इतनी उथल पुथल मची हुई है। ये नहीं हो सकता। देवताओं, इसका मूल्य चुकाना होगा तुम्हें, दंड भोगना होगा। दशानन रावण का। नहीं, ये नहीं हो सकता। अवश्य ही ये वायुदेव का कार्य है। वायुदेव, आप ऐसा नहीं कर सकते। नारायण नारायण, उन्होंने तो ऐसा कर दिया है इंद्रदेव। उन्होंने अपने सारे मरुद संसार से वापस बुला लिए। देख लीजिए अपने नेत्रों से,
संसार भर में कैसी त्राही त्राही मची हुई है। प्राण वायु समाप्त हो रही है संसार, पशु पक्षी ही नहीं मनुष्य भी अचेत हो रहे हैं, वनस्पति सूख रही है, और यही नहीं अपने देवताओं की दशा ही देख लीजिए। ये भी श्वास नहीं ले पा रहे हैं। ये सब आपके कारण हो रहा है देवराज। अभी भी समय है, मारुति को जीवन दान दे दीजिए, अन्यथा बड़ा अनर्थ हो जाएगा। होने दीजिए अनर्थ देवर्षि। देवराज इंद्र का न्याय अडिग है, कुछ भी हो जाए यह निर्णय नहीं पलट सकता। देवराज अपना हट त्याग दीजिए, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देवराज सृष्टि को बचा लीजिए। पुनः सोच लीजिए देवराज, आपका पुत्र भी आपके द्वारा किए गए अन्याय का दंड भोग रहा है। जयंत, जयंत मेरे पुत्र, संभालो स्वयं को, हम देवता हैं, वायुहीन होकर भी हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। अमृत पान किया है हमने, ये देह ना रहे तब भी हम जीवित रहेंगे, हम सब अमर हैं। इस स्थिति का साहस के साथ सामना करो पुत्र, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आपका ये अभिमान अनर्थ का कारण ना बन जाए देवराज। देवराज होने के अभिमान में इंद्रदेव ने वायु की उपेक्षा की, परिणाम स्वरूप वायु देव ने अपने सभी मरुतों को बुलाकर यह सिद्ध कर दिया कि वायु के बिना इंद्रदेव ये संसार नहीं चला सकते। इस संसार में कोई भी तुच्छ नहीं है, सब अपने अपने स्थान पर संपूर्ण है, इसीलिए हमें अपने पद ऐश्वर्य और समृद्धि के अभिमान में आकर किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए और ना ही किसी की उपेक्षा करनी चाहिए। मैं भी देखता हूं इंद्रदेव कैसे बचाएंगे आप इस सृष्टि को। अब तो आपको भी आभास हो जाना चाहिए कि यह सब कुछ आपके ही अहंकार का परिणाम है। रखो पुत्र, धैर्य रखो। पिताश्री, हमारी सांस रुक रही है। पुत्र, हम खड़े नहीं हो सकते। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अमर है हम सब। ऐसी अमरता किस काम की देवराज, ये तो मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक है। प्राण वायु के बिना आप जी नहीं पाएंगे और अमृत पान के कारण आपकी मृत्यु नहीं होगी। नारायण नारायण, श्वासहीन देह से ना तो आप चल पाएंगे और ना ही कोई कार्य कर पाएंगे, ऐसा जीवन चाहते हैं आप? सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है स्वामी, और आपके कर्मों का फल हमारा पुत्र भोग रहा है। सारा संसार आपके कर्मों का फल भोग रहा है। भूदेवी क्षुब्ध हो उठी है, एक माँ की हर मत लीजिए स्वामी। एक माँ की संतान के प्रति ममता उसे वो शक्ति प्रदान करती है जिसके समक्ष दैवीय शक्ति तुच्छ है। मातृत्व शक्ति को पहचानिए स्वामी, मान जाइए, ये विनाश होने से रोक दीजिए।
देवराज मान जाइए, अपना हट त्याग दीजिए। सब कुछ नष्ट हो जाएगा देवराज, सृष्टि को बचा लीजिए। पिताश्री, आपका पुत्र आपके समक्ष श्वास के बिना तड़प रहा है, आप मुझे स्वस्थ कर सकते हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे। ऐसे अमरत्व को पाकर मैं क्या करूंगा, मैं ये जीवन त्यागने जा रहा हूँ। पिताश्री, पुत्र नहीं। मात्र अपने नियमों का पालन कराना आपका धर्म नहीं है स्वामी। प्रजा राजा के लिए पुत्र के समान होती है। राजा का धर्म है प्रजा का पालन करना, पुत्र की भांति, ना कि उन पे शासन करना शासक की भांति। और उन सहस्त्र प्राणियों के बारे में सोचिए, उन्होंने तो कोई आपका नियम भी नहीं तोड़ा, किंतु इस विनाश लीला के कारण वे सब भी असमय ही काल के गाल में समा जाएंगे। उठो पुत्र, पुत्र उठो। प्राण वायु के बिना प्राण भी शक्तिहीन हो जाते हैं देवराज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे पुत्र, तुम्हें उठना होगा। तुम्हें उठना ही होगा। अब इंद्रदेव वज्र से किसके प्राण हरने वाले हैं? एक बा को उसका पुत्र मारुति को पुनः हमारे पास भेज दीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। इंद्रदेव, यदि आप अब भी अपने हट पर अड़े रहे तो इस सृष्टि का अंत निश्चित है। मेरे क्रोध की ज्वाला में सब भस्म हो जाएगा। भूदेवी के कारण ये सब हो रहा है। नारायण नारायण। प्रणाम त्रिदेव, प्रणाम त्रिदेव। आप ही कुछ कीजिए देवेश्वर, इंद्रदेव का हट सृष्टि को विनाश की सीमा पर ले आया है। कुछ कीजिए त्रिदेव, अन्यथा सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भूदेवी, ये क्या कर रही हैं आप? अपना ये कोप शांत कीजिए, आदेश है ये मेरा। देवराज, आप मुझे आदेश देने का अधिकार खो चुके हैं। आप चाहे तो मुझे भस्म कर सकते हैं, किंतु किंतु भूदेवी, संसार नष्ट हो रहा है। हाँ तो क्या हुआ? आपका स्वर्गलोक तो सुरक्षित है, आपका परिवार, आपका पुत्र सब सुरक्षित है। मेरा पुत्र भी अंतिम सांसें ले रहा है। अच्छा, तो आपके पुत्र की व्यथा आपको यहाँ खींच लाई है। अरे मारुति भी तो किसी का पुत्र है, उसकी वेदना आपको दिखाई नहीं दी? देवराज, आपका ये वज्र एक महाघातक अस्त्र है, उसका प्रहार करने से पूर्व आपको भली भांति सोच विचार कर लेना चाहिए था। आपने उस बालक मारुति पर प्रहार किया जिसका जन्म राक्षसों के संहार
और पृथ्वी के उद्धार में श्री राम की सहायता के लिए हुआ है। इतना घृणित कार्य करते हुए आपने तनिक भी नहीं सोचा? वज्र प्रहार करते हुए आपके हाथ में कंपन नहीं हुआ? अब तो अपना ये कोप शांत कर लीजिए। शांत? अब ये शांति तभी होगी जब मारुति को जीवन दान मिल जाएगा। जाइए और अपनी भूल सुधारिए, अन्यथा इस पृथ्वी का विनाश निश्चित है। जाइए, चले जाइए। मेरा क्षोभ अब और मत बढ़ाइए। जाइए, चले जाइए यहाँ से। हे जगत जननी माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, मेरा पुत्र जयंत जीवन के लिए तड़प रहा है। कुछ कीजिए माता, आपका ही आसरा है। अपने पुत्र की वेदना आपको यहाँ तक खींच लाई? किसी और के पुत्र की पीड़ा और उससे बिछड़ने वाली माँ की व्यथा का आपको आभास तक नहीं है? क्षमा करें माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। पुत्र को खोने की पीड़ा का आभास अब मुझे हो गया। इंद्रदेव, अपने पुत्र की पीड़ा से तो सभी व्यथित होते हैं, किंतु जो सभी के पुत्र को समान दृष्टि से देखे, उनकी पीड़ा में स्वयं भी द्रवित हो जाए, वही सच्चा राजा हो सकता है। चाहे वो धरती का राजा हो या स्वर्ग। आप सत्य कह रही हैं देवी, मैं अपने कृत्य पर लज्जित हूं। इंद्रदेव, हमारे लिए जैसे आपका पुत्र जयंत है, वैसे ही अंजना का पुत्र मारुति किसी भी बालक का कष्ट या असमय मृत्यु हमारे लिए असहनीय है, किंतु आपके कठोर नियमों ने एक अबोध बालक को अपनी माँ से दूर कर दिया है। उस माँ की करुणामयी गुहार ने समस्त मातृत्व शक्ति को संतप्त कर दिया है। इसीलिए सारी सृष्टि में त्राही माम मचा हुआ है। तुम्हारे इस दुष्कृत्य का फल तुम्हारा पुत्र भी भोग रहा है। अब भी समय है इन अपनी भूल सुधार लो, अन्यथा दे क्षमा प्रार्थना के साथ निवेदन कर रहा कि समस्त प्रयास करने के पश्चात भी आपके अंश को जीवन दान ना दिला सका।
मारुति की माँ को दिया हुआ वचन ना निभा सका। इसीलिए मैं योगा अग्नि में जलकर स्वयं को समाप्त कर लूंगा और साथ ही मेरे समस्त मरुत गण भी भस्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। मारुति वत् क्षमा कर देना मुझे वत्। जो अपना वचन नहीं निभा पाए उसका जीवन व्यर्थ। मैं भी अपना दिया हुआ वचन नहीं निभा पाया, असफल हो गया। अब मुझे तत्व रूप में भी रहने का कोई अधिकार नहीं।